दुबे साहब, सुप्रीम कोर्ट का आदेश तो हो गया, लेकिन हम देखते हैं कि कुछ होता नहीं है। हर बार कोई आदेश होता है, हर बार चुनाव आयोग भी कुछ कुछ, जैसा आपने भी जिक्र किया कि कुछ सख्ती दिखाता है, लेकिन नतीजा कुछ निकलता नहीं है, कोई बड़ा एक्शन नहीं होता। जी बिल्कुल, इसलिए नहीं होता क्योंकि जिनको एक्शन लेना है वो जब आपकी बारी आए तो हमारे लोग और हमारी बारी आए तो आपके लोग। इस जो सांस्कृतिक सापेक्षतावाद का एक इनडायरेक्ट सिद्धांत चल रहा है जी, जब आपकी जरूरत होगी हम मदद करेंगे, हमारी जरूरत होगी आप मदद करिएगा, उसकी वजह से एक्शन नहीं हो रहा है। नहीं तो क्या आदरणीय विजय जी, आप इतने प्रकांड विद्वान जर्नलिस्ट हैं, आप बताइए क्या किसी कानून में परिवर्तन करने के लिए आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं जी। क्योंकि भारतीय दंड संहिता की धारा 153 भी मौजूद है जी, जिसके मुताबिक 3 वर्ष तक की सजा है। भारतीय दंड संहिता की धारा 295A मौजूद है जिसमें 3 वर्ष की सजा और जुर्माना दोनों है। भारतीय दंड संहिता की धारा 505(1), 505(2) है, दोनों में 3 वर्ष तक का कारावास है। अपराध प्रक्रिया संहिता 95 है। जनप्रतिनिधि अधिनियम की धारा 8 है जिसका हम अभी जिक्र कर रहे हैं, उसके अनुसार हेट स्पीच का प्रयोग करने वाले जनप्रतिनिधि पर निर्वाचन में सम्मिलित होने से प्रतिबंधित कर दिया जाता है जी। लेकिन वो सब चल रहा है, और चल रहा है वो इसीलिए चल रहा है क्योंकि एक्शन जो ऑन ग्राउंड होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। अब दूसरा सबसे बड़ी कारण, कैसे कारण हो क्यों रहा है जी? क्योंकि जब तक इस देश में, भारत की राजनीति में धर्म और जातिवाद जो एक बड़ा फैक्टर है, और राजनीतिक ध्रुवीकरण के चलते किसी भी विशेष समुदाय या जाति के तुष्टीकरण के लिए ऐसे शब्दों का, ऐसे बिगड़े बोलों का प्रयोग नहीं करेंगे जी, वोट नहीं आएंगे। दूसरा, एक दूसरे को गाली गलौज करके जितना ज्यादा से ज्यादा सुर्खियां बटोर सकते हैं, जब तक वो नहीं आएगा तब तक वोट नहीं मिलेगा। सामाजिक आर्थिक न्याय स्थापित करने के पूर्व ही राजनीतिक न्याय स्थापित कर दिया जाता है। जाति धर्म के आधार पर चुनावी मुद्दे तय हो जाते हैं जी। बिहार में बैठे हुए पूछिए ना, कैसे कैसे जेल प्रिजन को चेंज कर दिया जाता है, गैंगस्टर्स कैसे बाहर आ जाते हैं और हम आप चुप हो जाते हैं। वो इसीलिए हो रहा है, क्या तो चुनाव है या चुनाव होना है या चुनाव आएगा। तो और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट की एक और टिप्पणी आ गई कि आप बिहार में जातिवाद सबसे ज्यादा वो किस लिए आया, राजनीति आज नहीं तो कल वो राजनीति होनी है, तो इसलिए हेट स्पीच से खास तौर से जब तक इन नेताओं को ये भारत। अच्छा, दूसरा एक और बड़ा महत्वपूर्ण पहलू, चाहे जकार्ता फाउंडेशन कन्वेंशन की convention बात हो, वहां की बात कर लें, और चाहे हम भारत के विधि आयोग की 276वीं रिपोर्ट की बात कर लें, सब में उन्होंने कहा एक बड़ा पुष्ट कानून चाहिए इस देश के लिए ताकि जाति, भाषा, नस्ल के आधार पर और धर्म के आधार पर जो नेतागण बिगड़े बोल बोलते हैं उसको जो है रोका जा सके, उनके ऊपर त्वरित कार्रवाई। अच्छा ये बताइए एक और बात, पुलिस को क्या पुलिस एक्ट में ऐसा प्रावधान नहीं है को सुओ मोटो एक्शन ले ले जी। लेकिन आप देखिए लाखों लाखों लोगों की गैदरिंग होती है, इस तरह के बिगड़े बोल बोले जाते हैं और एक्शन कब होता है, जब कोई अदालत उसमें इंटरफेयर करता है। अच्छा एक और महत्वपूर्ण बात 30 सेकंड में, एक समुदाय, एक वर्ग पिटिशनर, एक सेट ऑफ पिटिशनर ये कहता है कि साहब इन्होंने बोला, तो दूसरा सेट ऑफ पिटिशनर जाके कहता है कि हाँ उन्होंने भी बोला। आप इक्वल कर रहे हैं हेट स्पीच को, तो ऐसे तो संविधान के मूल भावना तो खत्म हो ही रही है ना, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट की चिंता बहुत जायज है। वो इसीलिए मैंने न्यूटन के थर्ड लॉ का जिक्र किया कि एक्शन का रिएक्शन है, ये इस तरह से बिहेव कर रहे हैं हमारी पॉलिटिकल पार्टी। लेकिन सर, जो आपने सीओ मोटो का जिक्र किया, मैं भी उसी पर जोर देना चाहता हूँ, एक बार और समझना चाहता हूँ आपसे कि जो पुलिस ऑफिसर्स, जो सरकारें सब कुछ देखते हुए सुप्रीम कोर्ट या इलेक्शन कमीशन के आदेश के बाद भी कुछ नहीं कर रही, क्या वो सीओ मोटो कुछ कर देंगी, आपको ये उम्मीद लगती है? अब इसी बात पर ये है क्या कि अब एक ओपन फोरम हुआ है कि मान लीजिए अजय उपाध्याय जी को लगता है कि कहीं पर हेट स्पीच आया है, तो अजय उपाध्याय जी स्वयं एक कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल करते हैं कि फला जगह पर ऐसा ऐसा हुआ, पुलिस ने एक्शन नहीं लिया, लिहाजा पुलिस का जो अधिकारी है वहां पर, उसके खिलाफ कार्यवाही हो। तो एक जो भय का वातावरण, क्योंकि पुलिस को भी भय होना चाहिए, पुलिस का भी भय होना चाहिए, दोनों बातें हैं। तो खास तौर से आप एक और छोटी सी बात, सुप्रीम कोर्ट ने पॉलिटिक्स में क्रिमिनलाइजेशन को खत्म करने के जजमेंट दिया कि आप विनिबिलिटी क्राइटेरिया जो है नहीं होगा, आप सबसे स्वच्छ, ईमानदार और जिसके ऊपर क्रिमिनल केसेस नहीं होंगे उसको उम्मीदवार बनाएंगे, और क्रिमिनल इंटीसीडेंट्स अगर पब्लिश नहीं करते या फेल होते हैं किसी भी तरह से,
तो आपके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में एक्शन होगा। फिर भी आप देखिए कैसा ग्लोरिफिकेशन हो रहा है, वो शायद कहने की आवश्यकता नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पालन करने की जिम्मेदारी एग्जीक्यूटिव की होती है, और एग्जीक्यूटिव ही अगर उसका पॉलिटिकल बेनिफिट लेने लगेगा ऐसे हेट स्पीच का, तो समझिए कि कहां संविधान की मूल भावना ऑन ग्राउंड इंप्लीमेंट हो। लेकिन सर हकीकत तो आप देख रहे हैं कि जिस पर क्या, वो क्या था दोहा है कि जहां पर कृपा राम की हुई तहां पर कृपा करे सब कोई, तो जहां सतीश जी का हाथ हो तो सेक्सुअल हरेसमेंट के आरोपी को एफआईआर करने में सुप्रीम कोर्ट का आदेश देना पड़े। देखिए ये विजय जी बहुत बड़ा ये विसंगति आप देखिए, पॉक्सो एक्ट हमने बना दिया जी, और बड़ा ऐसा कानून बना पॉक्सो एक्ट। मैं इसलिए फिर से विषय से थोड़ा विषयांतर करके उस पर आना चाहूंगा जी। पॉक्सो एक्ट कहता है कि 18 वर्ष से कम के किसी व्यक्ति के साथ माइनर की डिफिनेशन में आएगा और वो न्यूट्रल वो जो है जेंडर न्यूट्रल लॉ होगा, तो तुरंत एफआईआर होगी और बड़ा कठिनतम अपराध की श्रेणी माना जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट अगर जाना पड़ता है उसको लेकर के जी, तो आपका फिर जो डिस्क्रिशनरी पावर है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, वो डिस्क्रिशनरी पावर कहां चला गया जी? यानी आपको प्रिवेंट करना चाहिए कि किसी भी एक्शन को, ताकि यहां पर इस तरह की पुलिस के पास पावर से सेक्शन 49 सीआरपीसी में, वो किसी भी घटना को कारित होने से भी रोक सकती है, घटना की सूचना मिलने पर तुरंत प्रभाव से कार्यवाही कर सकती है, वो नहीं हो रहा है। तभी तो सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा, और सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद तब तो ऑल ऑफ ए सडन क्यों एफआईआर दर्ज करने की बात हुई, इसीलिए हुई। मामला गंभीर है, सच आता इन्वेस्टिगेशन आता जी जी।